वो देश जो अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, वो देश जिसके कई देशों के साथ उसके क्षेत्रीय विवाद रहे हैं, वो देश जिसकी एक हरकत पर कई देश भड़क उठे हैं, वो देश जिसकी विस्तारवादी नीति को लेकर पूरी दुनिया में आलोचनाएं हो रही है। हम बात कर रहे हैं चीन के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि चीन ने अपने नए नक्शे में क्या बदलाव किए और 11 भारतीय स्थानों का जबरदस्ती कैसे नाम बदला, और उसी नक्शे पर 4 देश फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ताइवान की क्या प्रतिक्रिया रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि चीन ने अपने नक्शे में क्या बदलाव किए हैं। चीन की सरकार ने बीते सोमवार 28 अगस्त को ऑफिशियली एक नक्शा जारी किया है, जिसमें उन्होंने भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना क्षेत्र बताया है। यह पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह की विस्तारवादी नीति को अंजाम दिया है। इससे पहले इसी साल अप्रैल के महीने में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम बदलने की मंजूरी दे दी थी। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नए नक्शे में भारत के हिस्सों के अलावा चीन ने ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर को भी चीनी क्षेत्र में शामिल किया है। मैप में चीन ने 9 डैश लाइन पर अपना दावा पेश किया है। इस तरह से उसने साउथ चाइनी सी के एक बड़े हिस्से पर दावा पेश किया है। हालांकि वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई दक्षिण चीन सागर क्षेत्रों पर अपना अपना दावा करते रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि चीन ने 11 भारतीय स्थानों का कब और कैसे नाम बदला। चीन ने इस साल अप्रैल में एक तरफा रूप से 11 भारतीय स्थानों का नाम बदल दिया था, जिसमें पहाड़, चोटियां, नदियां और आवासीय क्षेत्रों के नाम शामिल थे। यह पहली बार नहीं है कि बीजिंग ने इस तरह की रणनीति अपनाई है। इससे पहले 2017 और 2021 में चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अन्य भारतीय स्थानों का नाम बदल दिया था, जिससे एक और राजनीतिक टकराव शुरू हो गया था। हालांकि भारत ने अब तक चीन की विस्तारवादी योजनाओं को खारिज करते आ रहा है। अब बात करते हैं कि चीन के नक्शे बदलने पर फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ताइवान ने क्या कहा। नए मैप पर ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा, हम चीन का हिस्सा नहीं है। उनकी सरकार चाहे कैसे भी अपना पक्ष पेश करती रहे, वो हमारे देश के अस्तित्व की सच्चाई को झुठला नहीं सकती है। वही वियतनाम ने कहा कि चीन के इस नक्शे का कोई महत्व नहीं है और ये वियतनाम की सीमा और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है। फिलीपींस ने कहा, चीन को जिम्मेदारी से फैसला लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए। वही मलेशिया ने नक्शे को लेकर डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट दर्ज कराई है। मैप में चीन ने हेनान द्वीप के साउथ में 1500 किलोमीटर तक एक यू शेप की लाइन दिखाई है। ये लाइन वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई और इंडोनेशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से होकर गुजरती है। भारत ने कहा कि नाम बदलने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। वही चीन के मैप पर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, चीन ने नक्शे में जिन इलाकों को अपना बताया है वो उनके है ही नहीं। ऐसा करना चीन की पुरानी आदत है। अक्साई चीन और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। पहले भी चीन भारत के हिस्सों को लेकर नक्शे निकालता रहा है। उसके दावों से कुछ नहीं होता है। हमारी सरकार का रुख साफ है। बेकार के दावों से ऐसा नहीं होता है कि किसी और के इलाके आपके हो जाएंगे। हम इन नामों को नए सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का आंतरिक हिस्सा था, है और रहेगा। इस तरह से नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलेगी। जो हमारा है वो हमारा ही था, हमारा ही है और हमेशा हमारा ही रहेगा। नमस्कार।